नमस्ते छात्रों आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम फोन पर बात पाठ तथा पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य भी पूरा करेंगे इसके बाद हम एक पठन कार्य करेंगे चलिए पृष्ठ सत्ताईस खोलिए। आप सब तैयार है ना शुरू करते हैं पाठ का शीर्षक है फोन पर बात सबसे पहले फोन शब्द की अक्षरी करते हैं बोलिए फोन फिर से फोन अच्छा आपकी पुस्तक में दो चित्र हैं, हाँ या ना? पहला चित्र देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है हम्म एक प्यारी लड़की है और वह क्या कर रही है हाँ वह फोन पर बात कर रही है अब दूसरा चित्र देखिए और बताइए तो इसमें क्या है हाँ चित्र में एक बूढ़ी स्त्री है या हम कह सकते हैं कि दादी जी है या हाँ, नानी जी वे क्या कर रही है वे फोन पर बात कर रही है बच्चों यहाँ पर मैंने वे सर्वनाम क्यों बोला बिल्कुल ठीक क्योंकि वे हमसे बड़ी हैं। पहला अनुच्छेद देखते हैं अच्छा प्रथम वाक्य पढ़िए आज शनिवार है फिर से आज शनिवार है बच्चों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में सात दिन होते हैं कौन कौन से सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार दूसरा वाक्य सवेरे के आठ बजे हैं कितने बजे हैं बच्चों आठ वाक्य पढ़िए सवेरे के आठ बजे हैं। आगे देखिए नानी जी नेहा के घर फोन करती है। कौन नेहा के घर घर फोन फोन करती करती कौन नेहा चित्र देखकर बताइए तो हाँ नानी जी अच्छा वाक्य फिर से पढ़िए नानी जी नेहा के घर फोन करती है बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं ना? पढ़िए पहले वे टेलीफोन का चौंगा उठाती है फिर वे नंबर मिलाती है बच्चों टेलीफोन का चौंगा क्या है चित्र देखिए तो हम्म जिस चीज से हम बात करेंगे उसी को चौंगा कहते हैं अच्छा वाक्य दोहराइए। पहले वे टेलीफोन का चौंगा उठाती है फिर वे नंबर मिलाती है अगला वाक्य नेहा के घर टेलीफोन की घंटी बजती है ट्रिंग, ट्रिंग 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 टेलीफोन की घंटी कैसे बजती है के घर टेलीफोन की घंटी बजती है ट्रिंग 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 पढ़िए नेहा हेलो कौन कौन बात कर रही है हाँ नेहा फिर से पढ़िए हेलो कौन आगे नानी जी कहती है नमस्ते बेटी मैं तुम्हारी नानी बोल रही हूँ फिर से पढ़िए कौन बोल रही है नानी जी नमस्ते बेटी मैं तुम्हारी नानी बोल रही हूँ प्रणाम नानी जी आप कैसी हैं? फिर से प्रणाम नानी जी आप कैसी हैं नानी जी उत्तर देती हैं मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो वहाँ सब ठीक तो है ना तुम्हारी माँ कहाँ है नानी जी का वाक्य फिर से पढ़िए मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो वहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारी माँ कहाँ है चलिए बच्चों पृष्ठ पलटिये पृष्ठ अट्ठाईस पर आइए नेहा बोलती है मैं ठीक हूँ नानी जी यहाँ सब ठीक है माँ बाजार गई है बच्चों नेहा की माँ कहाँ गई है हाँ वह बाजार गई है फिर से पढ़िए मैं ठीक हूँ नानी जी यहाँ सब ठीक है माँ बाजार गई है आगे ध्यान से देखिए और पढ़िए नानी जी कहती हैं, सुनो नेहा कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तुम्हारे नाना जी भी आ रहे हैं। हम दोनों शाम को तीन बजे पहुँच रहे हैं नानी जी ने नेहा से क्या कहा? सुनो नेहा कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तुम्हारे नाना जी भी आ रहे हैं हम दोनों शाम को तीन बजे पहुंच रहे हैं। नेहा उत्तर देती है यह तो बहुत खुशी की बात है मैं माँ को बता दूंगी नानी जी मिठाई लाना न भूलना फिर से पढ़िए यह तो बहुत खुशी की बात है मैं माँ को बता दूंगी नानी जी मिठाई लाना न भूलना आगे देखिए नानी जी उत्तर देती हैं ठीक है नेहा नमस्ते फिर से पढ़िए ठीक है नेहा नमस्ते पढ़िए नेहा बोलती है प्रणाम नानी जी कल रविवार को नाना नानी आ रहे हैं नेहा बहुत प्रसन्न है प्रणाम नानी जी कल रविवार को नाना नानी आ रहे हैं। नेहा बहुत प्रसन्न है अच्छा छात्रों आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा चलिए अब हम पृष्ठ अट्ठाईस पर बहु विकल्प प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान दीजिए ठीक है सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। आपको याद है ना? निर्देश यानी के इंस्ट्रक्शंस ताकि हमें पता चले कि निम्न कार्य में हमें क्या करना है पढ़िए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखो अर्थात आपको पुस्तक में से सही उत्तर चुनना है इसके बाद कलम से सही अक्षर को घेरना है ठीक है बच्चों तैयार हो जाइए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए तो कौन नेहा के घर फोन करता है माँ नानी जी या नाना जी छात्रों आप कौन शब्द का अर्थ समझते हैं शब्द को रेखांकित कीजिए कौन यानी कि हु अच्छा उत्तर सोचिए तो कौन नेहा के घर फोन करता है आपको सही उत्तर पता है हाँ, नानी जी नेहा के घर फोन करती हैं। बिल्कुल ठीक कौन सा अक्षर घेरना है घेरिए तो अच्छा अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नानी जी पहले क्या करती हैं? हैं। वे वे टेलीफोन टेलीफोन का नंबर मिलाती वे पर बात करती हैं। वे टेलीफोन का चोंगा उठाती हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या यानी कि अच्छा सोचिए तो उत्तर क्या हो सकता है पढ़िए और उत्तर खोजिए पहले वे टेलीफोन का चौंगा उठाती है फिर वे नंबर मिलाती है आपको उत्तर दिखाई दिया चलिए अब सही उत्तर घेरिए सही उत्तर है वे टेलीफोन का चोंगा उठाती है बहुत अच्छा, आप ध्यान दे रहे हैं ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पढ़िए नेहा की माँ कहाँ गई है दुकान घर या बाजार बच्चों कहाँ शब्द का अर्थ क्या है कहाँ यानी कि की चलिए चित्र देखकर उत्तर बताइए चित्र में सब्जी वाला है सब्जियां हैं, तो माँ कहाँ पर होगी हाँ बिल्कुल सही पहचाना नेहा की माँ बाजार गई है कौन सा उत्तर घेरना है हाँ ग बाजार घेरिए अच्छा तीसरा प्रश्न देखिए नानी जी कब नेहा के यहाँ आ रही हैं? कब अर्थात वैन शनिवार को रविवार को या फिर शुक्रवार को चलिए उत्तर ढूंढते हैं पढ़िए प्रणाम नानी जी कल रविवार को नाना नानी आ रहे हैं नेहा बहुत प्रसन्न है सही उत्तर क्या है छात्रों बताइए तो हाँ नानी जी रविवार को नेहा के यहाँ आ रही है तीनों में से कौन सा उत्तर घेरना है हाँ, दूसरा यानी कि ख रविवार घेरिए अच्छा दोस्तों पृष्ठ पलटिये पृष्ठ उन्तीस पर आते हैं तैयार नंबर एक आ देखिए निर्देश पढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर खाली जगहों में लिखो इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थान में उत्तर भरना होगा ध्यान रहे आपको उत्तर नहीं दिए जाएंगे आपको स्वयं पाठ में से ढूंढकर लिखना होगा ठीक है चलिए आरंभ करते हैं पहला प्रश्न नानी जी सवेरे कितने बजे फोन करती हैं कौन मुझे कितने शब्द का अर्थ बता सकता है कितने यानी आठ अर्थवा चलिए पाठ में से उत्तर खोजते हैं पढ़िए तो आज शनिवार है सवेरे के आठ बजे है नानी जी नेहा के घर फोन करती हैं आपको उत्तर मिला नानी जी सवेरे कितने बजे फोन करती हैं हाँ नानी जी सवेरे आठ बजे फोन करती है बिल्कुल सही अगला प्रश्न देखिए नेहा क्यों बहुत प्रसन्न है क्यों का मतलब बताइए तो क्यों यानी कि वाय चलिए उत्तर ढूंढिए अनुच्छेद में अंतिम वाक्य देखिए कल रविवार को नाना नानी आ रहे हैं नेहा बहुत प्रसन्न है आपने उत्तर देखा उत्तर अंतिम पंक्ति में है अच्छा नेहा क्यों बहुत प्रसन्न है नेहा प्रसन्न है क्योंकि उसके ना, ना नानी आ रहे हैं तो उत्तर है नाना नानी ना ना एकदम ठीक अच्छा छात्रों अब हम पठन करेंगे पृष्ठ उनतीस निर्देश देखिए पढ़ो पहला वाक्य पढ़ते हैं मैं टेलीफोन का चोंगा उठाता हूँ ध्यान दीजिए जब सर्वनाम के रूप में मैं का प्रयोग करते हैं तो क्रिया हूँ से समाप्त होती है जैसे कि इस वाक्य में है मैं टेलीफोन का चोंगा उठाता हूँ दूसरा वाक्य पिताजी मोबाइल फोन पर बात करते हैं बच्चों ध्यान दीजिए पिताजी में जी लगाया गया है अर्थात वे बड़े हैं। जब किसी बड़े की चर्चा होती है तो क्रिया का कौन सा रूप लगाते हैं? हाँ क्रिया में न की जगह पर ए और अंत में हैं लगाते है लगाते हैं। अच्छे से देखिएगा यहाँ पर है में बिंदी है ठीक है पिताजी मोबाइल फोन पर बात करते हैं। चलिए तीसरा वाक्य पढ़िए विकास टेलीफोन का नंबर मिलाता है अच्छा यहाँ पर देखिए करता पुलिंग में है या स्ट्रिलिंग हाँ विकास एक लड़का है अर्थात पुलिंग और वह एक वचन में है या बहुवचन में एक वचन में तो हम क्रिया कैसे लिखेंगे मिलाता है वाक्य फिर से पढ़िए विकास टेलीफोन का नंबर मिलाता है चौथा वाक्य दफ्तर में टेलीफोन है अच्छा चित्र देखिए तो कितने टेलीफोन हैं? केवल एक इसी कारण क्रिया है लिखा गया है पढ़िए दफ्तर में टेलीफोन है फूफा जी का मोबाइल फोन नया है यहाँ पर प्रश्न पूछिए क्या नया है मोबाइल फोन मोबाइल फोन कैसा शब्द है हाँ पुलिंग एक वचन इसीलिए हमने अंत में नया है लिखा है फूफा जी का मोबाइल फोन नया है अच्छा छात्रों आज हमने फोन पर बात पाठ को पढ़कर इसके प्रश्न भी किए हैं इसके बाद हमने वाक्यों का पठन किया है और कुछ नए वाक्य जोड़े हैं चलिए कक्षा समाप्त करने से पहले इस कविता का आनंद लेते हैं लल्लू जी की पतंग बातें करे हवा के संग लल्लू जी की लाल पतंग आसमान में लहर रही है एक जगह न ठहर रही है इधर भागती उधर भागती खूब करे मस्ती पतंग हरी गुलाबी नीली काली की इसने छुट्टी कर डाली बीस पतंगे काट चुकी है बड़ी बहादुर बड़ी दबंग सभी पतंगों से सुंदर है सबकी इस पर टिकी नजर है ललचाता है सबको इसका अति प्यारा मनमोहक रंग धन्यवाद बच्चों नमस्ते